नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड की, और गोल्ड मार्केट में बहुत ज्यादा उठापटक का माहौल बन गया है। उठापटक को जरा आप समझिए कि उठापटक कैसे मचा है। याद कीजिए, पिछले हफ्ते गोल्ड का भाव 50,000 के नीचे आया था, और 50,000 के नीचे आने के बाद इस हफ्ते तेज़ी शुरू हुई। मंडे को गोल्ड के दाम बढ़े, कल बढ़े ट्यूसडे को, और कल बढ़ के 50,700 के करीब पहुंच चुका था गोल्ड का भाव। ये लग रहा था कि तेज़ी शुरू हो गई। कल जब 50,700 के करीब पहुंचा, उसके बाद फिर गिरावट शुरू हो गई। कल शाम को ही दाम बहुत नीचे आ गए, और आज फाइनली मार्केट फिर से 50,000 के करीब आ गया। 50,000 के करीब आने के बाद ये लग रहा था कि ये लेवल टूट जाएगा, लेकिन वहाँ से फिर अचानक एक रिकवरी आई और अब मार्केट आ चुका है 50,300 के ऊपर। तो अब सवाल ये है कि गोल्ड में इतनी ज़्यादा उठापटक है क्यों, और आगे होने क्या वाला है, ये बताने के लिए हमारे साथ अमित सजेजा हैं, मोतीलाल ओसवाल के। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड में ये हो क्या रहा है सर, इतना ज़्यादा उठापटक? जी नमस्कार मृत्युंजय जी। देखिए, जो इंटरेस्ट रेट डिसीजन है थर्ड वीक ऑफ सितंबर में, उसको लेके जो स्पेकुलेशन चल रही है कि फेडरल रिजर्व क्या कदम उठाएगा, क्या 50 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज होगा या 75 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज होगा, इसके जो अनुमान है, क्योंकि इनमें फ्लक्चुएशन हो रही है, उसके साथ साथ हमें गोल्ड में भी फ्लक्चुएशन देखने मिल रही है, क्योंकि इन अनुमान का सीधा असर जो है डॉलर इंडेक्स पे होता है, और जब डॉलर इंडेक्स में मूवमेंट आती है, साथ ही साथ गोल्ड में भी उसके ऑपोजिट एंड इक्वल मूवमेंट देखने मिलती है। तो हमने देखा कि कल जो सर्विसेज डेटा था, ISM सर्विसेज डेटा US में, उसके बाद सोने में गिरावट आई, क्योंकि डेटा उम्मीद से ज़्यादा बेहतर था, जिसके बाद ये अनुमान बढ़ गया कि जो 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी है, वो उसका अनुमान जो है वो ज़्यादा हो गया है। पहले ऐसा प्रोबेबिलिटी थी कि 50 बेसिस पॉइंट्स 50% था, वो प्रोबेबिलिटी बढ़ के अभी 70% हो गई है। तो जब भी इंटरेस्ट रेट को लेकर जो अनुमान है वो बढ़ेंगे या घटेंगे, उसके साथ साथ हम देखेंगे कि गोल्ड में भी फ्लक्चुएशन आएगी। ठीक है, लेकिन मोटा मोटी अगर हम देखें ब्रॉडली स्पीकिंग, तो $1,680 के आसपास गोल्ड में एक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है शॉर्ट टर्म बेसिस। ओके, ठीक है। हमारे साथ सुरेंद्र मेहता भी हैं, सेक्रेटरी हैं इब्जा के। मेहता जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत ज़्यादा हलचल है सर गोल्ड के मार्केट में। 50,000 का लेवल टूट नहीं रहा है और 50,000 के ऊपर टिक नहीं रहा है, तो अब आपको क्या लगता है? देखिए मृत्युंजय जी, गोल्ड में एक 1667 का एक बॉटम लेवल है। ये 1667 के बॉटम लेवल को यदि छूता है और उसके नीचे जाता है, तो इसमें भारी गिरावट आ सकती है। लेकिन जिस तरह से बार बार गोल्ड 1688, ये पिछले दो साल में चौथी बार इसने ये लेवल को टेस्ट किया है, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि 1688 एक स्ट्रांग लेवल है, और वहां से हमेशा गोल्ड मूव करता है और एक भारी बढ़त के साथ आगे बढ़ता है। लेकिन हमें साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो अभी फेड की मीटिंग होगी, तो उस एक हफ्ते के दरमियान जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, तो वहां पे थोड़ा सा मार्केट में वापस फ्लक्चुएशन आएगा। लेकिन फिलहाल मुझे अगले कुछ दिनों तक इसकी रेंज $1,688 से लगा के $1,765 के बीच में लगती है, और मुझे लगता है कि जो करंट लेवल है, करंट लेवल के ऊपर जो बाइंग है वो बनती है, यदि आप $20 से $30 का यदि रिस्क ले सकते। तो इमीडिएट टारगेट सर आपका क्या है MCX के ऊपर? मेरे हिसाब से जो इमीडिएट टारगेट MCX के ऊपर होना चाहिए $1,765 के हिसाब से, मुझे लगता है कि यहाँ से लगभग 51,800 का मुझे इमीडिएट टारगेट। कब तक सर ये मुमकिन है 51,800 का लेवल? मुझे ऐसा लगता है कि अगले 10 दिनों तक जो फेड की मीटिंग होने वाली है, तब तक ये जो रेंज है वो इस रेंज में ये मार्केट रहे। ओके, ठीक है, आप बने रहे सर। चांदी पर अमित जी आपकी कॉल क्या है, सिल्वर में क्या किया जाए? गोल्ड में आपने बताया कि बाई करना चाहिए 50,530 के टारगेट के लिए, क्या चांदी में भी गोल्ड की तरह बाइंग का सुझाव है आपका अमित जी? जी देखिए, कल के सेशन से हमने देखा है कि चांदी में रिलेटिव स्ट्रेंथ ज़्यादा है गोल्ड के मुकाबले, जो गिरावट है वो इतनी नहीं देखने मिली है।
और आज रैली भी जो आई है वो बेहतर आई है गोल्ड के मुकाबले, तो मुझे लगता है कि 18.3 डॉलर्स के ऊपर अगर चलने लगती है कॉमिक सिल्वर, तो 1885 डॉलर्स यानी भारतीय बाजारों में 54,000 के ऊपर के भाव भी हमें देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ पर एक अट्रैक्टिव शॉर्ट टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है चांदी में, ऐसा मेरा मानना है। चांदी पर मेहता जी आपका क्या व्यू है, क्योंकि 53,500 के ऊपर है मार्केट, लेकिन चांदी के लिए एक डिमांड की चिंता तो है ही, क्योंकि मेटल का मार्केट नीचे आ रहा है, चाइना का कंसर्न है कोविड की वजह से, तो चांदी पर आपका व्यू अभी? देखिए, जिस तरह से मैंने गोल्ड में बताया कि 1667 एक बॉटम दिखाई देता है, उसी तरह से चांदी में 16.30 डॉलर मेरे हिसाब से ये मैक्सिमम बॉटम मुझे दिखाई देता है। लेकिन हमने तीन बार ये देखा है कि 17.3 डॉलर के आसपास से चांदी हमेशा रिटर्न होती है और वापस एक तेजी बनाती है। तो मुझे लगता है कि करंट जो इसके लेवल हैं वो काफी अच्छे लेवल हैं, और मुझे ये इमीडिएटली अगले ये 2 महीने के अंदर अंदर 21 से 22 डॉलर नजर आती है। चलिए, बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका जुड़ने के लिए और बुलियन पर अपनी राय रखने के लिए। नेचुरल गैस पर आपका व्यू अमित जी, क्या किया जाए एनजी में? देखिए, कल हमने काफ़ी भारी गिरावट देखी थी क्योंकि यूरोप में भी नेचुरल गैस प्राइसेस थोड़ी कूल ऑफ हुए थे पिछले 2 दिनों में, लेकिन मुझे लगता है यहाँ से दोबारा एक शॉर्ट कवरिंग के लिए बाइंग किया जा सकता है 638 के स्तर पर, और अपसाइड में 660 से 665 तक की शॉर्ट कवरिंग देखने मिलेगी। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई नेचुरल गैस के ऊपर। अच्छा, क्रूड में उठापटक यहाँ पर भी है और 7,000 के आसपास इस वक्त MCX पर कच्चे तेल का भाव है। हालांकि आज शुरुआती दौर में गिरावट बढ़ी थी, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी रिकवरी दिख रही है। क्रूड में अभी इस वक्त क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? जी, क्रूड में मुझे लगता है कि रिकवरी थोड़ी शॉर्ट लिव्ड हो सकती है। 7,100 के बहुत ज़्यादा ऊपर जाता हुआ नहीं दिखता, इसलिए 7,080 के करीब मैं बिकवाली की सलाह देना चाहूँगा। 7,200 के स्टॉप के साथ मुझे लगता है कि जो रिसेंट लोज हैं वो रिविजिट हो सकते हैं 6,900 से 6,880 तक के लिए। अच्छा, कॉपर का मार्केट बड़ा बड़ा रेंज में ट्रेड कर रहा है अमित जी, तो क्या दायरे के इस बाजार में इस वक्त कोई मौका है ट्रेड का, खरीदने का या बेचने का कॉपर में? जी देखिए, वंस अगेन हमने पिछले एक हफ्ते में काफ़ी भारी बिकवाली देखी है, जब हम 685 से लेकर 635 तक चले गए हैं। यहाँ पर भी एक शॉर्ट कवरिंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है, जिसके हिसाब से 646 से 648 तक की एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमें देखने मिलेगी। मैं 638 पे एक्चुअली बाइंग की सलाह देना चाहूँगा, हल्के से फर्दर डिप पे, और 646 का एक मूव लेके चला जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। छोटा सा ब्रेक होगा।